हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पॉइंटर को लेकर के एक और वीडियो मैं बना रहा हूं। यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है, हालांकि वीडियो काफी है शॉर्ट। चलिए डिटेल में भी वीडियो लेके आऊंगा इस पर, लेकिन फिलहाल आपको बता देता हूं ये पॉइंटर की वीडियो है, ठीक है। और यहां पर इंट मैंने लिख दिया, इंट की तो कोई जरूरत ही नहीं, केवल मेन फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। और ये मेन लिखा हमने और यहां से इसको कंपाइल करवाते हैं। तो ये कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम, देख सकते हैं ये पॉइंटर है। कैसे पता चलता है, यहां पे लगा हुआ है स्टार, तो यहां पे ptr नाम से बनाया है और यहां पे लिखा है मैंने ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ num, ठीक है। और num में क्या स्टोर है, num इंटीजर टाइप का है और इसमें क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, ठीक है। और फिर यहां पे लगाया printf और वैल्यू ऑफ num % d करके हमने इसको प्रिंट करा दिया है। और फिर यहां पे वैल्यू ऑफ num यूजिंग पॉइंटर, तो पॉइंटर का यूज करके फिर वैल्यू ऑफ num को प्रिंट कराया है, ठीक है। फिर यहां पर वैल्यू चेंज की है मैंने और फिर यहां पर नम की वैल्यू को प्रिंट कराया है, फिर पॉइंटर का यूज करके उसी की वैल्यू को प्रिंट कराया है, क्योंकि यहां पर हमने लिख रखा है एड्रेस ऑफ नम टी है, यहां पे 10 है। चलिए आइए इसको हम कंपाइल रन करवाते हैं, देखते क्या होता है। कंपाइल हो गया, अब यहां से रन करवा देते हैं। तो जैसे ही रन करवाया तो यहां पर देखेंगे कि नम के अंदर 10 स्टोर है, ठीक है। और फिर वैल्यू ऑफ नम यूजिंग पॉइंटर 10 है, देख सकते हैं। और फिर वैल्यू ऑफ num इज इक्वल टू 20, यानी कि num में क्या स्टोर है, 20 स्टोर है। और जब हम पॉइंटर का यूज करके इसको स्टोर करवा रहे हैं, यानी पॉइंटर वेरिएबल में इसको स्टोर करवा रहे हैं, यानी पॉइंटर का यूज करके इसको num में स्टोर करवा रहे हैं, तो यहां पे 20 प्रिंट हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।